बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिदा, प्रोफेशनल क्लब चैनल में आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं वंस अगेन पहुंचा हूं डीएचए कोटा की लोकेशन पे आप लोगों को ये बताने के लिए। जनाब, ये डीएचए कोटा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी और मैंने यहाँ पे खड़े होके जब ये राउंड अबाउट का मार्क किया था इसको, मैंने आपको बताया था कि जनाब यहाँ पे राउंड अबाउट बनने वाला है और यहाँ से इन और आउट होगा। तो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कितना कम्प्लीट हो चुका है। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो दोस्तों तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बताता चलूँ। डेवलपमेंट के हवाले से बात करूँ तो इस टाइम पे आपके जो अगर मैं मेन की बात करूँ, मेन ग्रैंड एंट्रेंस की बात करूँ, तो कमर्शियल बिल्डिंग ए और कमर्शियल बिल्डिंग बी के ऊपर माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये आप देखिएगा, ये आपका राउंड अबाउट है और यहाँ से आप देखिएगा जनाब, ये कमर्शियल बिल्डिंग ए आप देखिए, माशाल्लाह बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है इसके ऊपर। और ये सामने ही इसकी पार्किंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब होगी इंशाल्लाह मैं इसमें आपको जो ड्रोन के शॉट्स भी दिखाऊंगा। और ये आप देखिएगा कि ये है कमर्शियल बिल्डिंग भी, और इसके साथ साथ इसके फ्रंट में जो देखेंगे आप, ये इनकी पार्किंग्स है और बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता चला जाऊँ, ये आप देखिएगा, इसके साथ ही बिल्कुल बैक साइड पर अगर मैं बताऊँ आप लोग को, ये जनरेटर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके साथ साथ ये है डांसिंग फाउंटेन जो कि बिल्कुल मेन रोड के फ्रंट पर आ रहा है, ये देखिएगा। तो यहाँ से आपका जो है इन होगा, जैसे आप यहाँ से आते हैं तो ये आप देखिएगा यहाँ से आप इन होंगे और ये साथ ही आपका एग्जिट है। और इसकी बैक साइड भी अगर मैं बात करूँ, इसकी बैक साइड भी यहाँ पर भी जो है इसकी पार्किंग दी गई हैं। तो ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है माशाल्लाह। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जिस तरह मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पार्क्स हैं, पार्क्स के ऊपर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डीएचए कोटा का ये टारगेट है कि फैमिलीज़ को एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे इन किया जाए, बच्चे आएँ, फैमिलीज आएँ और यहाँ पे आके इन्जॉय करें। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, बल्कि तकरीबन हो चुकी हैं। तो हमने पिछले दो साल में यही देखा है कि डीएचए कोटा काम सख्त सर्दी में भी काम तो नहीं रुका है, स्लो हुआ है बट काम नहीं रुका। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कोटा में ऐसा नहीं हुआ है कि जनाब कि सर्दियों में काम को कंटिन्यू रखा जाए, मगर डीएचए कोटा ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक और मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करता चला जाऊँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि डीएचए का टारगेट है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स ए और बी जो मैंने आपको दिखाया था, इसको एज सून एज पॉसिबल एक्टिव किया जाए। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो पब्लिक है वो डेफिनेटली यहाँ पर आएगी और उनका एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा। डेफिनेटली डीएचए कोटा बहुत तेज़ी से इसके ऊपर भी काम कर रहा है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग साथ शेयर करना, वो ये है रीजनल ऑफिसेज। आपने जिस तरह से देखा था कि डीएचए कोटा को जो रीजनल ऑफिस है वो बंद करने पड़े और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आवाम ने दिया कि जनाब क्यों बंद किया। बल्कि कुछ ने तो ये कहा कि जनाब आई थिंक के डीएचए कोटा बंद हो गया, ये प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। एक्चुअली में मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था कि डीएचए कोटा जो है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर मूव कर रहा है, इसी वजह से उन लोगों ने इसको इन ऑफिस को बंद करना पड़े। बट 20 से 25 दिन के बाद दोबारा फॉर द टाइम बिंग टेम्प्रेरी ऑफिस एक्टिव कर दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम चल रहा है। और बहुत खुशखबरी की बात यह है कि डीएचए कोटा जो करने जा रहा था उसको तकरीबन तकमील तक पहुँचा दिया है या इंशाल्लाह ताला पहुँचने वाला है। वो ये कि आपके जो जो रीजनल ऑफिस हमारा लाहौर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ तक वो एक्टिव हो जाएगा। हमारे इस्लामाबाद में भी जो है एक्टिविटी चल रही है इंशाल्लाह। और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसी साल हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपके पिशावर में और फैसलाबाद में भी रीजनल ऑफिस इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाए। टारगेट यही कि शायद इस साल हो जाए, बट लेट्स सी। देखिए जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, लोग जानना चाह रहे हैं कि कब हम एलोकेशन का बैलेट कब होगा, कब हम इन करें, कब हम आउट करें। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जो कि मैंने गालिबन को पिछले एक 7-10 दिन पहले मैंने बनाई थी, आपको मैंने यही एक एग्जाम्पल दी थी कि जनाब आप कब एग्जिट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट आपके सामने है, तकरीबन इस टाइम सम अराउंड जो एलोकेशन की प्राइस है सम अराउंड कोई आपकी 8 मिलियन के आसपास है। जिन्होंने अच्छी रेट पे बाइंग की हुई है डेफिनेटली वो तो आज भी अगर सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट है, मगर जिन्होंने हैवी बाइंग की हुई है 1 करोड़ या करोड़ से ऊपर की हुई है,
डेफिनेटली उनको होल्ड तो करना पड़ेगा। मगर एक अच्छी बात मैं आपको बात बताऊं, अगर हम थोड़ी सी डीएचए कोटे की हिस्ट्री देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग डीएचए कोटे की हिस्ट्री को जरूर स्टडी किया करें। जब डीएचए कोटे की फाइल्स लॉन्च हुई थी स्टार्टिंग की, दो साल ढाई साल पहले की बात कर रहा हूं, तो गालिबन कोई 7 मिलियन पे थी समान। फिर ये नीचे ड्रॉप होके गालिबन कोई 25 तक आई, फिर जो एक साल डेढ़ साल सवा साल रही है तकरीबन कोई 27 लाख तक रही, जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। उसके बाद अगर आपने देखा हो कि जिन लोगों ने 70 पे बाय किया था, उन्होंने अपनी फाइल्स को होल्ड रखा, सबर किया, और उनको डेढ़ साल से दो साल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी डीएचए कोटे ने दी, जो स्ट्रेटजी डीएचए कोटे ने अपनाई, वो थी अर्ली बर्ड। और अर्ली बर्ड का बूम अगर आपने देखा होगा तो गालिबन कोई 275-280 तक 290 तक जो है वो रेट्स गए थे। तो जिन्होंने 70 पे बाइंग की थी, अगर वो अर्ली बर्ड में कन्वर्ट हो जाते और अगर वो करोड़ों के ऊपर भी सेल करते, डेफिनेटली वो कमा रहे थे उसके ऊपर। तो आप अगर जिनकी हैवी बाइंग है और अगर आप होल्ड पर हैं, तो डीएचए कोटे ने हमेशा कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नई पॉलिसी अप्लाई करके जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया है। डेफिनेटली अगर खुदा ना खास्ता, मुझे नहीं पता कि सप्लाई और डिमांड में क्या सिस्टम, क्योंकि आपके सामने हैं मुल्क के हालात। मैं एक दोस्तों के साथ बैठा था, यही मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर अनस्टेबिलिटी, हमारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना होती, जो हमारे आज कंट्री की आप देख रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है, अगर ये ना होते तो शायद डीएचए कोटा की जो एलोकेशन की प्राइसेस हैं वो करोड़ से नीचे कभी भी नहीं आती। बट होना था जो हुआ। तो अब यह है कि अब आपने आज की डेट में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। जिनके पास फाइल्स हैं, जिनका सेक्टर बैलेट निकलता है, डेफिनेटली वो तो समहाउ किसी न किसी तरीके से लकी रहेंगे। वो इस तरीके से कि लेट्स सी, देखिए उनका 4, 5, 6 कहाँ पर निकलते हैं। डेफिनेटली कहीं पे, कहीं ना कहीं पे जू होगा, कहीं पे कोई क्लब होगा, कहीं पे एक सुनने को यार कि ओवरसीज ब्लॉक भी इंशाल्लाह ताला लॉन्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो तो फ़ायदे में रहेंगे। उसके साथ साथ अगर जिनका नहीं निकलता सेक्टर बैलेट में, तो डीएचए कोटा कल को अगर कोई इस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि करेगा इंशाल्लाह, अगर कोई इस तरह की पॉलिसी अप्लाई होती है, तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं पे फैसिलिटेट ज़रूर होंगे, और मगर आपको फ़ायदा ज़रूर होएगा इसका। अभी कमर्शियल बाकी हैं, मैं कमर्शियल के ऊपर भी काफ़ी आजकल फोकस कर रहा हूं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर करूंगा, क्योंकि अगला साल आपका अर्ली बर्ड का है, 5 मतलब मार्केटिंग का है, आपकी कमर्शियल्स का है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत चीज़ें आगे लॉन्च होने वाली हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारे मुल्क की कंडीशन बेहतर रहे। ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे चीज़ नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी है। जिन लोगों ने एग्जिट करना है, डेफिनेटली मैंने आपको पहले कहा था कि ट्रेन चल चुकी है, जिस स्टेशन पे आप लोग उतरना है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो मुझे यहाँ पर आप लोग इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे दोबारा हाजिर होऊंगा नई नॉलेज के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह मैं डेवलपमेंट, आपको जो अंदर से लोग जानना चाह रहे हैं कि आप हमें अर्ली बर्ड के डेवलपमेंट का काम दिखाएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मैं दोबारा हाजिर होऊंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।